हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी ट्रेन है तमिलनाडु एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई सेंट्रल से न्यू दिल्ली तक जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इससे होगा ये कि आपको ट्रैवलिंग करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ न्यू न्यू वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रेन का ट्रेन नंबर है 02621। ये एक सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन को साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करता है। यह ट्रेन चेन्नई सेंट्रल से न्यू दिल्ली 2182 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है मात्र 33 आवर्स 40 मिनट में। इस ट्रेन के टोटल 11 स्टॉप है। इस ट्रेन के एवरेज स्पीड की बात करें तो 64 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन का एवरेज स्पीड है। एंड पेंट्री कार यानी भोजन की सुविधा की बात करें तो इस ट्रेन में भोजन की सुविधा है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते हैं। बात करें इस ट्रेन के कोचेस की, तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर एंड सेकंड सीटिंग की कोचेस लगी हुई है, जिसमें तकरीबन 1 फर्स्ट एसी, 2 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 11 स्लीपर और 2 सेकंड सीटिंग की कोचेस लगी हुई है। चेन्नई सेंट्रल से न्यू दिल्ली तक के किराए की बात करें तो फर्स्ट एसी जिसका किराया है 5285 रुपया, सेकेंड एसी जिसका किराया है 3100 रुपया, थर्ड एसी जिसका किराया है 2140 रुपया एंड स्लीपर जिसका किराया है 820 रुपया एंड सेकेंड सीटिंग जिसका किराया है 505 रुपया। यह एक अपडेटेड किराया है। अगर आप लोग 5 मंथ बाद या 1 ईयर्स बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका अपडेटेड किराया IRCTC की वेबसाइट टिकट काउंटर से ज़रूर कन्फर्म कर लें। यह ट्रेन वीक यानी सप्ताह के 7 दिन चलती है। अब चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेन के स्टॉप एंड उसके टाइम टेबल के बारे में जानेंगे। इस ट्रेन का पहला स्टॉप है जो कि चेन्नई सेंट्रल है, रात को 10 बजे से प्लेटफॉर्म नंबर 4 या फिर 5 से रवाना होती है। दूसरा स्टॉप है जो कि विजयवाड़ा जंक्शन है, 431 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सुबह में 3:55 पर यह विजयवाड़ा पहुंचती है और 4:05 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का तीसरा स्टॉप है जो कि वरंगल है, 638 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सुबह में 6:50 पर यह वरंगल पहुँचती है और 6:52 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का चौथा स्टॉप है जो कि बिलहरसा है, 881 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सुबह में 10:35 पर यह बिलहरसा पहुंचती है और 10:40 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का पांचवा स्टॉप है जो कि नागपुर है, 1090 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके दोपहर में 1:50 पर यह नागपुर पहुंचती है और 1:55 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का छठा स्टॉप है जो कि इटारसी जंक्शन है, 1388 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके शाम को 6:30 पर यह इटारसी पहुँचती है और 6:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का सातवां स्टॉप है जो कि भोपाल जंक्शन है, 1480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके रात को 8:10 पर ही भोपाल पहुंचती है और 8:22 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 12 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का आठवां स्टॉप है जो कि झांसी जंक्शन है, 1771 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके रात को 12:50 पर झांसी पहुंचती है और 1 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का नौवां स्टॉप है जो कि ग्वालियर जंक्शन है, 1869 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सुबह में 2:10 पर यह ग्वालियर पहुंचती है और 2:12 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का दसवां स्टॉप है जो कि आगरा कैंट है, 1987 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सुबह में 4:03 पर यह आगरा कैंट पहुंचती है और 4:05 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का ग्यारहवां स्टॉप है जो कि हजरत निजामुद्दीन है, 2175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सुबह में 7:15 पर यह हजरत निजामुद्दीन पहुंचती है और 7:17 पर यहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। इस ट्रेन का बारहवां स्टॉप है जो कि न्यू दिल्ली है, 2182 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सुबह में 7:40 पर यह न्यू दिल्ली अपने निर्धारित स्थान पर पहुँच जाती है। तो गाइस, ये तो हमारी थी चेन्नई सेंट्रल से न्यू दिल्ली जाने वाली ट्रेन की वीडियो। अगर आप लोगों को न्यू दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली ट्रेन की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके न्यू दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल जाने वाली ट्रेन की वीडियो देख सकते हैं। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ। धन्यवाद।